अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बेशक। आपका नाम? अलीम कुरैशी। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र। आपका नाम? शेख अमीर अली। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले? बंगाल के खड़। माशाल्लाह, बंगाल के हैं आप, यहाँ पर आके कारोबार करते हैं? जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी मालूमात में इजाफा हो और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है नमाज से मुताल्लिक। अच्छा, अच्छा। मिसाल के तौर पर आदमी नमाज पढ़ रहा है, सूरह फातिहा पढ़ा, उसके बाद जो उसके बाद में जो जम्मा सूरह पढ़ते हैं ना, कोई दूसरी सूरह, दूसरा कुरान, वो पढ़ना भूल गया, तो क्या उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों? सूरत नहीं पढ़ी होगी ना। जब आदमी नमाज पढ़ रहा है, अगर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो दूसरी सूरत पढ़ना है उसके बाद वो आदमी नहीं पढ़ा, तो क्या उसकी नमाज होगी? अगर गलती से वो उसका मिस्टेक हो गया है, जब सूरह फातिहा पढ़ा तो उसका नमाज हो जाएगी, अगर सूरह फातिहा ना पढ़ता तो नमाज नहीं होती, जितना हमको जानकारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही कहा आपने, जज़ाकअल्लाह खैर। उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि नमाज सूरह फातिहा के बाद जो सूरह पढ़ते हैं ना, वो सुन्नत है। सुन्नत तर्क हुई कर तो कोई बात नहीं, नमाज तो हो जाएगी। जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह खैर।